हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है, आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। ये स्कूटी का बैटरी है, काफ़ी बड़ा दिखने में लगता है आपको, डबल ज्वाइनिंग है। तो ये बैटरी में यह प्रॉब्लम है कि चार्ज ये नहीं हो रहा है। ये बैटरी जो है, यहाँ पे से चार्ज लगाते हैं, थोड़ी देर इंडिकेटर ऑन होता है पर चार्ज नहीं होता है। तो मैं एक दूसरा चार्जर लगा के भी मैंने चेक किया, उसके बाद भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैंने सॉकेट को भी देखा तो सॉकेट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि दो ये जो दो डिवाइड में बटा हुआ है बैटरी, और उसको जोड़कर 72 वोल्ट बनाया गया है। एक बैटरी 36 वोल्ट के कुछ आसपास होता है, उससे ज़्यादा भी होता है वोल्टेज एम्पियर कुछ बढ़ने के बाद। तो एक बैटरी उस सेम वोल्टेज बताता है, और उस दूसरे बाद ये जो दूसरा बैटरी जो है वो वोल्टेज थोड़ा कम कर देता है। इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। दोनों का इक्वल वोल्टेज होगा तभी ये चार्ज होगा। तो आज इसको बैटरी को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर दिया हूँ, जो आप देख रहे हैं इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये जो बैटरी है वोल्टेज सही है। इसको यहाँ पर देख रहे हैं आप, सीरीज किया हुआ है, यहाँ पर सीरीज किया हुआ है। तो ये मैंने डिसकनेक्ट करने के बाद ये वोल्टेज ये सही है। इसका वोल्टेज थोड़ा कम था, तो कम था तो इसको मैंने जितने भी बैटरी को मैंने चेक किया, तो जितने भी आप क्रॉस चिन्ह देख रहे हैं उस सारे क्रॉस चिन्ह पर वोल्टेज कम था। वीडियो को थोड़ा चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ, क्रॉस चिन्ह था वहाँ पर वोल्टेज कम है। तो इस मशीन की वजह से मैं चार्ज बैटरी को किया। बैटरी को चार्ज करने के बाद मैं आपको एक बार मैं दिखाता हूँ मशीन को सारा पूरा फोकस। तो इस मशीन से मैंने चार्ज कर कर मैंने वोल्टेज को इक्वल बनाया। इक्वल बनाने के बाद वोल्टेज तो ये सही हो गया, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं आपको, ये हुआ एम्पियर मीटर है, और मैं एक बार चार्जर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चार्जर था पहले चार्ज नहीं हो रहा था। ये देखिए, हरियर इंडिकेटर है, अब रेड इंडिकेटर होगा। ये देखिए, रेड इंडिकेटर होने लगा, और एम्पियर देखिए, 8 एम्पियर से ये चार्ज हो रहा है। दोनों को बैटरी ये सीरीज में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया इसको चार्ज करने के बाद। अब ये बिल्कुल रेडी है चार्ज होने के लिए। इसी तरह से आप चार्ज को बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बैटरी अगर दो डिवाइड में बटा हुआ है, आपका एक भी डिवाइड में बटा हुआ है, वो भी उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। कोई भी सेल डाउन हो जाता है तो चार्ज नहीं उठा पाता है। तो आप मीटर से, मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक कर कौन सा सेल में वोल्टेज को ड्रॉप है, तो उस ड्रॉप को वोल्टेज को फिर इक्वल कीजिए। उस इक्वल करने के बाद ये चार्जिंग होने लगता है। तो वीडियो आपको कैसा कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मेरा चैनल पर वीडियो आता रहता है। ये BMS है, BMS में मैं दोनों को कनेक्ट कर दिया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, दो कनेक्टर लगा हुआ है दोनों साइड का।